students today we are going to learn the part number 6 from chapter number 6 grade 9 science and the name of the chapter is tissue this one is the last portion that we have to study so if we are talking about chapter number 6 the last part is connective tissue so what are connective tissues so connective tissues connect and joins the different part of the body together now as a name suggests connective tissue that means a type of tissue विच कनेक्ट समथिंग कि भी ऐसे टिश्यू जो किसी को कनेक्ट करती होगी तो कनेक्टिव टिश्यू क्या काम करेगी किसी भी बॉडी पार्ट को कनेक्ट करने का और जॉइंट करने का काम करेगी द सेल्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यूज आर लूजली पैक्ड एंड द स्पेस कि भी कनेक्टिव टिश्यू के जो सेल होते हैं दे आर लूजली पैक्ड कि भाई ये हर एक स्पेस के अंदर लूजली पैक्ड होते हैं द स्पीस बिटवीन द सेल आर फिल्ड विथ अ जेली लाइक मैट्रिक्स और इन टिश्यू के बीच में जो जगह है क्योंकि ये लूजली पैक्ड हुए हैं तो इनके बीच में जगह होगी ये जगह किसकी हेल्प से फील होती है लाइक अ जेली लाइक मटेरियल एंड दैट इज़ नोन एज मैट्रिक्स की इनके बीच की जो जगह है वो किससे फिल अप हुई होगी मैट्रिक्स से ना ब्लड बॉन लिगाम टैंड एरोलर टिश्यू एडिपोज टिश्यू दिज आर द एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू की ये जितने भी नाम हैं दिज ऑल आर द कनेक्टिव टिश्यू then now we have to learn one by one all the tissue so first one we are starting with blood so blood contains a fluid matrix called plasma which contains red blood cells white blood cells and platelets now these things you will learn from grade 7 then ki fluid matrix hai which contain oh sorry blood have a fluid matrix which known as plasma and that plasma contains three types of cell that is rbc wbc and platelets rbc is red blood cells wbc is white blood cells and the platelets are there now the blood transport gases digested food hormones and waste material ki blood kaam kya karega to aapki body ke andar gas ko transport karwane ka kaam karega उसके साथ ही digested food hormones and waste material को भी transport करवाने का काम blood करता है so that is about blood ओके आफ्टर दैट हियर इज़ अ इमेज ऑफ़ ब्लड कि भी ब्लड की जो वेसल होती है उसके अंदर जो ब्लड फ्लो होता है तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स आर देर सो द अपर वन अपर राइट कॉर्नर दैट इज़ अ रेड ब्लड सेल्स विच आर रेड इन कलर देन द पर्पल कलर सेल इज़ नोन एज़ वाइट ब्लड सेल्स दैट इज ऑलरेडी आई मैंशन एन आ लेफ्ट एंड साइड दैन बिलो दैट प्लाज्मा इज़ देर द फ्लूड येलो कलर फ्लूड इज नोन एज प्लाज्मा एंड द प्लेटलेट्स द स्मॉल सेल इज नोन एज प्लेटलेट्स आफ्टर दैट इनके अंदर भी कौन से अलग अलग टाइप के ब्लड सेल्स होते हैं दैट आई मैंशन दैट न्यूट्रोफील्स इोसिनोफिल्स बेजोफिल्स लिम्फोसाइड्स मोनोसाइट्स प्लेटलेट्स एंड रेथ्रोसाइट्स आर दैर सो दिज ऑल आर द कॉम्पोनेंट ऑफ ब्लड इज दैट इज अबाउट ब्लड एंड हेयर ब्लड का पोर्शन क्या होता है खत्म होता है नाउ द नेक्स्ट वन इज बोन्स डैन बोन्स क्या होते है? that we all know. हैं दैट वी ऑल नो हमारी बॉडी के अंदर जो हार्ड टिश्यू हमें फील होती है दैट इज नथिंग एल्स बट बॉन्स नाउ इट इज हार्ड एंड स्ट्रोंग टिश्यू कि अगर आप बोंस की बात कर लो तो बोंस आर हार्ड कि ये हार्ड होते हैं और दिस वन इज द स्ट्रोंगेस्ट टिश्यू नाउ इट कंसिस्ट ऑफ सेल विच आर एम्बडेड इन हार्ड मैट्रिक्स कंटेनिंग कैल्शियम एंड फॉस्फरस कंपाउंड कि भी बोन्स के अंदर जो सेल होते हैं वो बहुत ही हार्ड मैट्रिक्स के होते हैं किसके बने होते हैं कैल्शियम एंड फॉस्फरस कंपाउंड के इसीलिए जिनके बोन्स वगैरह काम नहीं करते डॉक्टर सजेस्ट अ कैल्शियम टैबलेट्स टू हिम कि उनको कैल्शियम्स की टैबलेट्स दी जाती है क्योंकि एक एज के बाद उनकी बॉडी में से कैल्शियम कम हो जाता है दैट्स वाई कैल्शियम की और फॉस्फ़रस की टैबलेट्स उन लोग को लेनी पड़ती है तो बॉन्स किसकी हेल्प से फॉर्म होते हैं कैल्शियम एंड फॉस्फरस से ओके बोन फॉर्म्स द फ्रेम वर्क ऑफ द बॉडी एंड सपोर्ट्स द बॉडी एंड द मेन ऑर्गेन की भी बोन्स क्या काम करते हैं पूरी बॉडी का फ्रेमवर्क बनाने का सोच लो आपकी बॉडी के अंदर बोन्स है तभी आप खड़े रह पाते हो अगर बोन्स नहीं होते तो आपको खड़े रहने की भी कैपेसिटी नहीं होती आप सीधा गिर जाते है. जैसे पानी कैसे फैल जाता है वैसे ह्यूमंस भी फैल जाते तो बोन्स क्या करते हैं हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क बनाने का काम करते हैं एंड सपोर्ट्स द बॉडी एंड द मेन ऑर्गन और उसके साथ साथ ही बॉडी को सपोर्ट करने का और सारे ऑर्गन्स को सपोर्ट करने का काम करते हैं सो दैट इज द वर्क ऑफ बॉन्स अब बॉन्स के अंदर भी टिश्यूज होती है हियर इज अ इमेज ऑफ बॉन टिश्यूज की बॉन के टिश्यूज दिखते कैसे हैं सो हियर इज अ इमेज कि इस तरीके की टिश्यूज़ वो होती है क्लियर ओके आफ्टर दैट द फर्द पोर्शंस दैट आर लिगामेंट्स टेंडर्स सॉरी टेंडन्स एरोला टिश्यू एंड एडिपोज टिशू दिस फोर थिंग्स दैट यू हैव टू लर्न सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर स्टार्टिंग विथ लिगामेंट्स सो दे आर फ्लेक्सीबल टिश्यू विथ जॉइंट बॉन्स टूगैदर एंड हेल्प इन द मूमेंट कि लिगामेंट्स क्या होते हैं तो आपके जोइ बॉन्स होते हैं ना उन बॉन्स की जो जॉइंट होती है ना उन जॉइंट जगह पर जो भी फ्लैक्सीबल लिक्विड प्रेजेंट होता है फ्लेक्सिबल पार्ट फ्लैक्सिबल फ्लेक्सि टिश्यू प्रेजेंट होती है दैट इज नथिंग गेल्स बट अ लिगामेंट अब लिगामेंट क्या करेंगे दोनों बोन बोन्स की जो जॉइनिंग पार्ट होगी वहाँ पे वो प्रेजेंट होगे और उनको मूवमेंट करवाने में हेल्प करेंगे देन सो दैट इज़ लिगामेंट अब आप अपने शोल्डर की बात कर लो या तो फिर एल्बो की बात कर लो तो एल्बो के ऊपर भी दो बोन्स जॉइन होते हैं तो वहाँ पे जो टिश्यूज प्रेजेंट होगी जॉइनिंग पॉइंट पे दैट इज लिगामेंट और उस लिगामेंट की हेल्प से ही मूवमेंट हो पाती है देन टेंडर्स सो दे आर द फाइबरस टिश्यू विथ जॉइंस मसल्स टू बॉन्स एंड हेल्प इन अ मोमेंट कि अब बात करते हैं हम टेंडर्स की तो टेंडेंस क्या होते हैं सो टेंडर्स आर ऑल्सो टीशूज यहाँ पे आप जितनी भी चीज़ें पढ़ रहे हो वो सारी टिश्यूज़ है बट उनका वर्क कहाँ पे है वो क्या काम करती है वो आपको पढ़ना है सो टेंडेंस आर ऑलरेडी अ टिशू विथ जॉइंस मसल टू बॉन्स कि भाई मसल्स को और बॉन्स को जॉइन करने का काम जो टीशू करती है दैट इज़ टेंडेंस और इसके साथ साथ ही मूवमेंट में भी हेल्प करवाएगी देन लिगामेंट क्या काम करती थी दो बॉन्स को ज्वाइन करने का काम करती थी टेंडेंस क्या काम करता है बॉन्स एंड मसल्स को ज्वाइन करने का काम करता है देन द नेक्स्ट वन इज़ एरोलर टिशू सो एरोलर टिश्यू इट फील्स द स्पेस बिटवीन द स्किन एंड मसल्स इनसाइड द ऑर्गन अराउंड द ब्लड वेसल्स एक्सेट्रा एंड इट हेल्प्स टू रिपेयर द टिश्यू कि अब हम बात करते हैं एरोलर टिश्यू अब नाम उसका एरोलर देखने में से ऐसा लगता है कि भाई एयर के रिलेटेड जैसा कुछ लग रहा है तो सेम उसका काम है एरोलर मतलब कि आपकी स्किन और आपके मसल्स के बीच में जितनी भी स्पेस होगी उन ची उन स्पेस को फील करने का काम कौन से टिश्यू करेगी एरोलर टिश्यू करेगी दैट इट फील्स द स्पेस बिटवीन स्किन एंड मसल्स की स्किन एंड मसल्स को बीच में जो स्पेस है उसको फिल करने का काम कौन सी टिश्यू करती है एरोलर टिश्यू करती है उसके साथ साथ ही ऑर्गन की अंदर की साइड पे ब्लड वेसल्स की आजू बाजू में जितनी भी जगह होगी दैट इज़ ऑल फील्ड बाय एरो टिश्यू नाउ इट हेल्प्स टू रिपेयर द टिश्यू कि इसके साथ साथ ये टिश्यूज़ को रिपेयर करने का भी काम करती है कि भाई कोई टिश्यू खराब हो गई हो उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई हो तो ये रिपेयरिंग का काम भी एरोलर टिश्यू करती है

फ़ैट एंड हेल्प्स टू स्टोर फैट कि ये जो एडिपोज टिशू होती है उनके अंदर फ़ैट होता है तो ये क्या करते हैं फ़ैट को स्टोर करने का काम करते हैं तो जित जिनकी भी स्किन बहुत मोटी होती है ना जिनके अंदर फैटनेस होती है दैट फैटनेस इज़ बिकॉज़ ऑफ एडिपोज टिशू आपकी बॉडी बहुत ही झाडी होती है दैट इज़ बिकॉज ऑफ़ एडिपोज टीश्यू क्योंकि एडिपोज टिशू का लेवल बॉडी में ज़्यादा होता है इसीलिए क्या करते हैं वो फ़ैट वग़ैरह ज़्यादा स्टोर करते हैं सो दैट इज़ अबाउट द एडिपोज ओके नाउ वी हैव टू सी द इमेज कि भाई कौन सी इमेज कैसी होती है कहाँ पे प्रेजेंट होती है देन टू हियर आई मेंशन टू इमेज फर्स्ट वन इज द लिगामेंट बाइंड बॉन्ड टू बॉन्ड की लिगामेंट किस तरीके से अलग अलग बॉन्ड्स को ज्वाइंट करते हैं तो राइट वन इमेज राइट साइड पे जो इमेज है दैट वन इज द लिगामेंट इमेज एंड द राइट साइड सॉरी राइट साइड इमेज इज ऑफ अ लिगामेंट इमेज लेफ्ट साइड इमेज इज ऑफ टेंडेंस इमेज टेंडेंस कैसे, होते हैं, कैसे होते हैं. तो पहले हम लिगामेंट्स कंप्लीट करते हैं तो मैंने पाम वाला पोर्शन दिया हुआ है आपके हैंड का आगे का पोर्शन तो वहाँ पे आप देख सकते हो आपके फिंगर्स के बीच में बहुत सारे ज्वाइंट होते हैं तो वो जो वाइट कलर के पोर्स आपको ज्वाइनिंग दिखती है दैट इज ऑल अ लिगामेंट की ये सारे वाइट पोर्सन क्या है लिगामेंट है देन लेफ्ट इमेज पे आ जाओ सो लेफ्ट वन इमेज इज तो अब इन स्केलेटन मसल्स को अगर आपको बॉन्स के साथ ज्वाइंट करवाना है तो आपको दिख रहा है व्हाइट कलर की बॉन्डिंग दिख रही है जहां पे ज्वाइंट हो रहा है that is white. तो वो क्या है टेंडेंस है की इन मसल्स को बॉन्स के साथ ज्वाइंट करवाने के लिए ये जो वाइट कलर का फॉर्म करते हैं दैट इज टेंडन्स डेन तो लिगा मैंटे टेंडन्स समझ में आ गए सबको आफ्टर दैट इनकी माइक्रोस्कोपिक इमेज कैसे दिखती है सो एरोलर टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू अगर इनकी आप इमेज देखो तो वो आपको कैसे दिखती है सो हियर आई मैंशन टू इमेज विथ नेम द लेफ्ट साइड इमेज एंड लेफ्ट साइड टिश्यू इज एरोलर टिश्यू एंड द लेफ्ट सॉरी राइट साइड इमेज विच इज एडिपोज टीशू डन तो ये उनकी इमेज दिखाई गई है कि एरोलर टिशू कैसे दिखती है एंड एडिपोज टिश्यूज कैसे दिखती है ये काम क्या करते हैं एरोर टिश्यूज क्या काम करेगी रिपेयरिंग का काम करेगी क्योंकि कोई भी टिशू को रिपेयर करने का काम करेगी एंड एडिपोज टिश्यू फैट स्टोर करने का काम करती है इसीलिए देख लो ये एडिपोज टीश्यूज थोड़ी मोटी मोटी है क्योंकि इनके अंदर फैट्स होता है क्लियर सो दिस वन इज अबाउट एरोलर टिशू एंड एडिपोज टिशू नाव यहाँ पे कनेक्टिव टिशू हमारी क्या हो जाती है ख़त्म हो जाती है नाव वी हैव टू लर्न द लास्ट पार्ट एंड दैट लास्ट पार्ट इज नर्वस टिश्यू नाव नर्वस टिश्यू एज ए नेम सजेस्ट नर्वस टिशू है तो कहाँ के कहाँ पर प्रेजेंट होगी नाउस के अंदर ब्रेन्स के अंदर क्या आपकी बॉडी की जो नर्वस सिस्टम है वहाँ पे प्रेजेंट होगी क्लियर नाव नर्वस टिशू हेल्प टू नर्वस to हेल्प्स टू कैरी मैसेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ to बॉडी टू and अदर एंड stimuli टू भी नर्वस tissue क्या काम करती है मैसेज कैरी करने का काम करती है भी बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक मैसेज पहुंचाने का और ब्रेन ने जो भी सिग्नल्स दिए उन सिग्नल्स को दूसरे पार्ट तक पहुंचा के रिस्पांस करवाने का काम नर्वस टिशू करती है अब वेर नर्वस टिश्यूज़ आर प्रेजेंट सो इट इज फाउंड इन ब्रेन स्पाइनल कोड एंड नर्वस की भी ब्रेन स्पाइनल कोड एंड नर्वस के अंदर ये टीशूज़ प्रेजेंट होती है डेन कौन कौन सी जगह पे ब्रेन के अंदर स्पाइनल कोड के अंदर और नर्वस के अंदर तो इन तीन जगहों पे ये टीशूज़ प्रेजेंट होती है नाउ इट कंसिस्ट ऑफ नव सेल्स कॉल्ड न्यूरोन्स की भी जब आप नव टिशू की बात करो तो नव टिश्यूज़ के अंदर कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं नव सेल्स प्रेजेंट होते हैं और इन नव सेल्स को न्यूरॉन्स भी बोला जाता है डन सो नो टिश्यूज कंटेन अ सेल विच इज़ नोन एज नो सेल्स एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड न्यूरोस डन सो हियर इज दैट इज़ अबाउट द नर्वस टिशू नाव जब आप नर्वस टिशू के अंदर बात की आपने कि नो सेल्स होते हैं सो so वो नो सेल्स क्या होते हैं न्यूरोन्स क्या होते हैं देट यू हैव टू स्टडी सो इट हैज़ अ सेल बॉडी कंटेनिंग अ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाजम की जब आप न्यूरोस की बात कर लो तो वाट इज न्यूरॉन तो न्यूरॉन एक टाइप की सेल है एक टाइप की सेल बॉडी है जिसके अंदर क्या होता है न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाजम होता है लाइक द अदर सेल्स बाकी सारे सेल में भी यही होता है न्यूक्लियस होगा एंड साइटोप्लाजम होगा विथ डैट इट हैज़ हेयरलाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड डेंड्रिटा डेंड्रिटिज एंड अ लॉन्ग पार्ट कॉल्ड एक्जॉन हैविंग नर्व एंडिंग कि भाई इसके साथ न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के साथ ही उनकी बॉडी के ऊपर हेयरलाइस स्ट्रक्चर्स होता है विच आर नोन एज डेंड्रिटिज एंड उनके स्ट्रक्चर के बाद में एक लॉन्ग चेन होती है विच इज नोन एज एक्जॉन टेन और एग्जोन की एंड पे क्या होगी एंडिंग्स होगी विच इज़ नोन एज नर्व एंडिंग अब इनका काम क्या होगा सो द एग्जोन हैज़ अ प्रोटेक्टिव कवरिंग कॉल्ड माइलिन शीट की भी एक्जोन के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग शीट होती है दैट इज नोन एज माइलिन शीट अब ये डायग्राम आप याद करो जब आप एथ में थे दैर इज वन चैप्टर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन उनके अंदर आपको नर्व्स के डायग्राम नर्व के सेल ड्रॉ करना सिखाया था ऐसे स्टार जैसा और एंड में फिर एक लंबी सी लाइन निकलती थी दैट इज नथिंग एल्स अ नव सेल्स तो वो जो लंबी लाइन है एक्जोन उसके ऊपर भी एक प्रोटेक्टिंग लेयर होता है प्रोटेक्टिंग कवरिंग होता है विच इज़ नोन एज माइलिन शीट नाउ द न्यूरो आर जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म नव फाइबर्स और ये जो सारे न्यूरो हैं वो सारे न्यूरो एक दूसरे के साथ बाइंड हो एक नई चीज़ फॉर्म करते हैं देट इज़ नव फाइबर क्योंकि ये एक दूसरे के साथ जॉइन होकर नव फाइबर्स फॉर्म करेंगे नाव द जंक्शन बिट्वीन टू न्यूरोन इज कॉल्ड साइन और ये जितने भी न्यूरॉन्स हैं वो एक दूसरे के साथ जॉइंट होते होंगे तो उनका जो जॉइंट होगा उस जॉइंट वाली स्पेस को जहाँ पे वो जॉइंट हो रहे हैं जहाँ पे उनका जॉइनिंग है उस पॉइंट को क्या बोला जाता है साइन बोला जाता है क्लियर सो दैट वन इज अबाउट द नव सेल्स कि भाई उनके अंदर क्या क्या होता है उनकी बॉडी क्या काम करती है हेयर आई मैंशन सम स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरोन दैट आई विल शो यू कि आपको एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर दिखाया है इसको देख के मे बी यू हैव गोट आइडिया कि आपने एथ के अंदर ये पढ़ा था डन तो इनके अंदर क्या होता है सबसे पहले तो न्यूक्लियस होगा दैट इज ग्रीन इन कलर एंड देन साइड में जो सेल बॉडी दिख रही है दैट इज ऑफ साइटोप्लाज्म पर्पल कलर की डन तो न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म आर देर आफ्टर दैट द लाइक स्ट्रक्चर्स जो आपको दिख रहे हैं विच इज लेबल्ड एज डेंड्राइड की ये सेल लाइक सॉरी लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ नोन एज डेंड्रिकल्स डेन फिर उन डेंड्रिकल्स की एंड से उनकी जो सेल बॉडी है उनकी एंड से येलो कलर की एक लाइन निकल रही है पतली सी विच इज नोन एज एग्जॉन एक लंबी पट्टी निकल रही है दैट इज नोन एज एक्जोन अब इन एक्जोन्स के ऊपर भी एक शीट की कवरिंग होती है सेल की कवरिंग होती है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए सो दैट आर नोन एज माइलिन शीट इस शीट का नाम क्या है माइलिन शीट बाकी की जो चीज़ें है वो थोड़ी हाई लेवल है आपको समझने की ज़रूरत नहीं है देन ऑल्सो आई टेल यू कि उन माइलिन शीट के बीच में भी जो आपको सेल दिख रहे हैं दैट इज़ नोन एज शेवान सेल एंड उनके बीच में जो इंटरनोड होती है दैट इज़ नोन एज नोड ऑफ रेनवेयर देन बट ये आपका अभी कुछ काम का नहीं है देन ये पूरी एक्जोन खत्म हो जाने के बाद माइलिन शीट खत्म हो जाने के बाद एंड में जो वापस से आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखे जो एंड वाला पोर्शन है इसीलिए उनको बोला जाता है टर्मिनल और यह किसका एंड है एग्जोन का एंड दैट्स वाई इट इज नोन एज एग्जॉन टर्मिनल देन इसी चीज को आप नर्व एंडिंग भी बोल सकते हो एक्जॉन टर्मिनल की जगह पे यू कैन राइट एज अ नर्व एंडिंग देन सो दिस वन इज अ स्ट्रक्चर अब ऑफ न्यूरॉन की ये क्या हो गया आपका न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हो गया हियर वंस अगेन आल से इट क्विकली The center portion, which is green in color, that is nu nucleus. After the surrounding light purple color, cytoplasm is there. After that, hair like structure, which is known as dendrites. After that, the uh, thin layer is there, that is axons. Exon is covering by one protecting layer that is known as myelin sheet. And the ending portion, which have a hair like structure, which is known as axon terminal so this one is a structure of neuron okay so here our part number six is called complete and also i can say the chapter number six is also complete okay thank you everyone have a good day